क्योंकि आप लोग ही हैं अब पोछने वाले, क्योंकि उनकी आँख की आंसू एक ही इंसान था, वो थी अकांक्षा। 100% हम श्योर हैं कि अकांक्षा दीदी वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक हंसती खेलती लड़की थी, स्ट्रांग थी और सबसे लड़ती रहती थी अपनी हक की लड़ाई सबके लिए ना। बहुत सारा मतलब जो है, एक एक छोटे छोटे हम लोग बात मिला के अगर इस केस को खोजेंगे ना, हाँ। तो बहुत सारा सबूत मिलेगा, हाँ। लेकिन पुलिस वाला भी निगरानी कर रहा था कि आकांक्षा दुबे कब आ रही है, हाँ। उसके रूम में कौन आदमी गया और कितने मिनट तक रहा, हाँ। ये भी तो हो सकता है कि आदमी दो घंटा तक, रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? अरे ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 2 दिन लगेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 2 दिन लगेगा। 12 दिन हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? सीसीटीवी कैमरा का फुटेज पूरा। मेरा नाम राजन शाह है और आप छपरा मीरा न्यूज देख रहे हैं। आज हम भोजपुरी के एक्ट्रेस के ही पास में है जिनका नाम है प्रीति राज। इनका एक इंटरव्यू देख रहे थे, उस इंटरव्यू में मैंने इतना ज़्यादा रो रही थी, शायद मैंने भी देखकर और जो लोग भी देखा होगा दर्शक ने भी, वो लोग भी रो दिया होगा। और बात ही ऐसा है कि रोने वाला ही बात है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का मौत हो जाता है, कैसे मौत होता है अभी तक खुलासा नहीं हुआ। वो प्रशासन को भी ऊपर सौंप दिया गया है, लेकिन प्रशासन से लेकर हर CBI जांच भी हुआ, क्या जांच हुआ नहीं जांच हुआ अभी तक खुलासा नहीं हुआ। आज बहुत सारा बात करेंगे, उससे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है प्रीति जी। जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम। कैसी है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है। एक आपका इंटरव्यू देख रहे थे, उस इंटरव्यू में आकांक्षा दुबे के बारे में चर्चा किया जा रहा था। उस इंटरव्यू के दौरान आप इतना एक्साइटेड हो गए थे और इतना रो रहे थे, हमको नहीं लग रहा है कि उस हत्यारे को सजा मिलेगा। हम भी तो वही सोच रहे हैं, दिन रात हम बस पेज पे और यूट्यूब पे यही सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इंसाफ मिला, न्याय मिला कि नहीं मिला। सब अपना काम धंधा छोड़ छाड़ के, अगर हम सूट पे भी रहते हैं ना तो टेक देते हैं, बाकी टेक देने के बाद हम जाते हैं और बिस्तर पे सो के वही देखते हैं कि आखिर बेचारे को न्याय कब मिलेगा, कब जाँच आएगा। 12 दिन हो गया, 12 दिन में ना पुलिस प्रशासन के तरफ से कुछ खुलासा हुआ है, ना जो उनका बॉडी पोस्टमार्टम का अभी तक रिजल्ट मिला है, अभी कुछ हुआ ही नहीं। और भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग भी काज ने कहाँ सो गया है हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मात्र पवन सिंह जी, अक्षरा सिंह जी और त्रिशाकर मधु, रितेश पांडे कुछ ही लोग गए हैं, और उनको संतावना देने के लिए भी बहुत लोग नहीं जा रहे। उनको क्या बोलिएगा आप? हम क्या बोलें, अगर जब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमको जाना चाहिए, हाँ। तो हम उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? बस वो लोग, हम बस यही बोलेंगे कि वो इंसान स्वार्थी इंसान है, बस अपने बारे में सोच रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, उस आकांक्षा दी की माँ रो रही हैं, मर रही हैं, उनसे उन लोगों को क्या मतलब है, यही सोच के ना लोग अच्छा, नहीं जा अच्छा, रहे। प्रीति राज को क्या लग रहा है कि आकांक्षा दुबे अपने से सुसाइड कर सकती है? नहीं, 100% हम श्योर हैं कि आकांक्षा दीदी वो सुसाइड कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक हंसती खेलती लड़की थी, स्ट्रांग थी और सबसे लड़ती रहती थी अपनी हक की लड़ाई सबसे करती थी। मैंने उनसे कभी मिला तो नहीं है, लेकिन सबने जब यही बोल रहा है कि हाँ आकांक्षा दुबे स्ट्रांग थी, हंसती खेलती लड़की थी, तो आखिर स्ट्रांग एक लड़की, एक बहादुर लड़की फांसी के फंदे पर कैसे लटक सकती है? हाँ। क्योंकि उस दौरान जिस दिन उनका फांसी हुआ, मौत हुआ, क्या हुआ अभी तो खुलासा हो नहीं रहा है, लेकिन उससे शाम को एक रील वायरल होता है, अपने इंस्टाग्राम से वायरल का थी, पोस्ट करती है, उसके बाद एक बर्थडे पार्टी में जाती है, बर्थडे पार्टी में आने के बाद जो होटल में रहती है होटल में जाती है, होटल का भी फुटेज क्लियर वायरल नहीं हो रहा है, और वहाँ से होटल में जाकर एक लाइव आती है और मुंह दाब कर कुछ नहीं बोल पाती है, रो रही है और इधर उधर झाँक रही है, तो इसको क्या लग रहा है कि उस रूम में कोई ना कोई था? हाँ, देखने से तो नहीं, लेकिन सोचने पे ये आदमी मजबूर जरूर हो रहा है, हाँ। कि आखिर आकांक्षा दी मुंह दाब के क्यों रो रही हैं, हाँ। और एक बात में दिमाग लगा रही हूँ कि अगर ये जब पार्टी में गई थी, हाँ। तो
कहाँ पे पार्टी में गई थी ये पुलिस वाला क्यों नहीं पता लगा रहा है कि जिस पार्टी में गई थी आखिर वो बर्थडे पार्टी था कि रिसेप्शन था कि एंगेजमेंट था कि क्या था, कौन सा पार्टी था, कहाँ पे गई थी, किस जगह पे गई थी, उसका अभी कुछ खुलासा ही नहीं हो रहा है। कहाँ गई थी आखिर पुलिस को पता लगाना चाहिए और उस ड्राइवर से पूछना चाहिए कि आखिर तुम वो ड्राइवर तो साथ ही में ना था जी, तो उस ड्राइवर से पूछना चाहिए था कि वो आखिर किस जगह पे पार्टी में गई थी, कहाँ गई थी, किसके साथ में गई थी और किनके यहाँ गई थी, किनके यहाँ गई थी, इस चीज का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है। कहीं पार्टी में ही लोगों ने कुछ खाने उने में डाल के खिला दिया हो। लेकिन खाने में अगर खिला दिया होगा तो फिर आखिर फांसी वाला वीडियो कैसे वायरल हो रहा है? फांसी वाला, हाँ हमें दिमाग लगाने वाला चीज है ये। अगर हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ उनको खिला दिया गया हो और मतलब केस दबाने के लिए और अपना किया धरा छुपाने के लिए उनको फांसी के फंदे पे लटका के बैठा दिया गया है। अच्छा, इसमें आपको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से आकांक्षा दुबे को, माने कोई कह रहा है सुसाइड हो रहा है, कोई कह रहा है कि सुसाइड किया कराया गया है, क्या कराया गया है, कोई लोग बता रहे हैं खुलेआम उनके मम्मी जो है अथी समर सिंह और संजय सिंह के नाम लेकर बता रही है कि उन्हीं लोग वही दोनों आरोपी है, इसमें क्या बोलिएगा आप? हम तो ये नहीं जानते हैं कि समर सिंह और संजय सिंह दोषी है कि नहीं है, लेकिन जब उनकी मम्मी बोल रही है, सारा दुनिया बोल रहा है कि समर सिंह संजय सिंह दोषी है तो है। अभी बता रहे कि संजय सिंह समर सिंह और संजय सिंह दोषी है। हाँ, अब सारा दुनिया बोल रहा है जब उनकी मम्मी बोल रही है, और एक और करके एक लड़की आई है नेहा क्रियाथौर की, क्या नाम है उसका, वो भी बोल रही है कि लव होव के लिए टॉर्चर करता था, ऐसा ही कुछ करके बोल रही है कि प्यार में टॉर्चर करता था ये, वो डिप्रेशन में चलती थी। तो शायद हो सकता है कि सच ऐसा होगा। अच्छा, ये बताइए आखिर आकांक्षा दुबे को आखिर ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ गया, क्योंकि उसी दिन 26 तारीख को ही एक पवन सिंह के गाना आया था कि आरा कभी हारा नहीं, और उसमें वो कैसे हार गई आकांक्षा दुबे, आरा कभी हारा नहीं, तो फिर आकांक्षा दुबे कैसे हार गई? इस केस में ना बहुत सारा मतलब जो है, एक एक छोटे छोटे हम लोग बात मिला के अगर इस केस को खोजेंगे ना तो बहुत सारा सबूत मिलेगा। लेकिन पुलिस वाला खोजना नहीं चाहता है, कानून खोजना नहीं चाहता है, क्योंकि बिक गया होगा। आजकल तो पैसे के जमाने चल रहे हैं ना, तो पैसे पे सब कुछ दब जाते हैं, तो ये केस क्या है। लेकिन आप देखिएगा, छोटे छोटे बातों को अगर क्या बोलते हैं सीआईडी पुलिस छोटे छोटे चीजों के लेके वो मतलब अपना सबूत ढूंढ ही लेता है। तो यहाँ पे तो हजारों सबूत दिख रहे हैं, लेकिन केस खुल ही नहीं रहा। अच्छा ये बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? अरे ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 2 दिन लगेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो 2 दिन लगेगा। 12 दिन हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आया? सीसीटीवी कैमरा का फुटेज पूरा नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, रहा बात, ये भी आप याद दिला दिए, वो सीढ़ी पे चल के आ रही है, उतना ही देर का फुटेज क्यों दिखाया जा रहा है? आगे का फुटेज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? रूम में कब एंट्री ली वो भी नहीं दिखाया जा रहा है? नहीं, रूम का थोड़ा जो बाहर गाड़ी आता है, सीढ़ी पे चढ़ते है, सीढ़ी पे सामान लेन देन का होता है, काट कर दिखाया था, आखिर क्यों दिखाया था? पूरा फुल फुटेज क्यों नहीं वायरल हो रहा है? फुल फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है। और रहा बात, एक बात और बोल रहा है होटल वाला, बोल रहा है कि 17 मिनट तक वो इंसान अंदर था। तो हम एक बात दिमाग और लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं होटल वाला भी निगरानी कर रहा था कि आकांक्षा दुबे कब आ रही है, उसके रूम में कौन आदमी गया और कितने मिनट तक रहा। ये भी तो हो सकता है कि आदमी 2 घंटा तक रुका हो, 17 मिनट ही क्यों रुका हो। यानी कि होटल वाला के भी तो हाथ है, क्योंकि वो टाइम देख रहा है कि आदमी उसमें कब गया और कितने बजे निकल रहा है। तो ये टाइम कहीं ना कहीं से कोई देख रहा है, तभी ना जाके गिना चुना 17 मिनट लोग बता रहे हैं। क्यों ऐसा भी हो सकता है? और एक बात और, वो होटल वाले जो मैनेजर है, मैनेजर साहब दम बयान पे बयान बदल रहे हैं। पहला उनका बयान आया था, आप लोग वो बता रहे थे कि आकांक्षा दुबे नशे में थी और उनको नशे में धुत थी और उनको कोई पकड़ कर ले जा रहा था। और फिर साहब जब पकड़ कर ले जा रहा था तो सीसीटीवी कैमरा में वो तो अपने आप चल रही है, देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, तो बताइए इस पे क्या बोलिएगा आप? वही तो हम बोल रहे हैं सर, और हमें लगता है ना कि ठीक है,
हम एक तरफ से सारा दुनिया बोल रहा है कि समर सिंह संजय सिंह ने मरवाया है, हम भी मानते हैं कि जब सारा दुनिया बोल रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ समर सर अच्छे हैं, चाहे उनके भाई अच्छे हैं, चाहे जो भी अच्छा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात मिलाने वाला बात है कि अगर समर सिंह आकांक्षा दीदी में लड़ाई झगड़ा ही चल रहा हो, लेकिन उसमें तीसरा भी तो बाजी मार सकता है ना, तीसरा भी तो मौका उनके भाई उनके मम्मी का कहना है कि उनके भाई ने उनको धमकी दिया था 2 दिन पहले कि तुमको मरवा देंगे। अब जब सुनी है तभी तो बोल रही है भाई, ऐसे कैसे कोई एक भाई इल्जाम लगा देगा। सोचा अगर देखिए, जब वो अपनी मम्मी को कुछ बताई नहीं है तब तक मम्मी जानती क्या है, कैसे मम्मी जानेगी कि हाँ मम्मी ऐसे कैसे बोलेंगे कि समर सिंह और संजय सिंह ने ही मरवाया। अकांक्षा दीदी कुछ ना कुछ तो अपनी मम्मी को बता के गई ही है, तभी तो वो बोल रही हैं। ठीक, अच्छा, इसमें प्रीति राज उनको क्या बोलेगी, आकांक्षा दुबे को जो काम की है और जो आगे की प्रक्रिया है, इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, किस प्रकार की प्रीति राज सोचती है? जरूर इस केस को छानबीन किया जाए, सीबीआई जांच करवाया जाए और उनको न्याय दिलवाया जाए। लेकिन हम तो आकांक्षा दीदी अब यहाँ पे है नहीं, सुन नहीं रही है, लेकिन आपके साथ जिसने भी गलत किया है ना उसके साथ जरूर गलत होगा, आपको न्याय मिलेगा, पुलिस वाला नहीं दिलवाएगा, कानून नहीं दिलवाएगा, लेकिन भगवान आपके साथ न्याय जरूर करेगा। जो आपके साथ गलत किया है ना, वो कितना दिन चाहे जहां भी भाग ले, उसके साथ वही होगा जो आपके साथ किया है। अच्छा, माँ का दर्द, एक माँ जहाँ भी जा रही है इतना रो रही है, अगर अपने माँ का दर्द सब लोग और समझ जाएगा ना, तो शायद ये घटना नहीं होता। उस माँ का दर्द को समझिए, उस माँ के आँख के आंसू को पोछिए, क्योंकि आप लोग ही हैं अब पोछने वाले, क्योंकि उनकी आँख की आंसू एक ही इंसान था, वो थी आकांक्षा दीदी, वही आंसू पोछ सकती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उनका है कौन, हम सब है, तो हम सब मिलके उनका आँख का आंसू पोछेंगे और उनको न्याय दिलाने में उनके साथ खड़े रहेंगे।